Morning students, now the topic of discussion is first chapter of civics, our constitution. As you know, constitution is a fundamental document of a country and which defines the power and limitations of the three organs, that is legislature, executive and judiciary, and it also gives strength to our democracy, secular and art features of the which it contains. Okay, so it is a fundamental thing according to which all mechanism of the country moves. Okay students, and here we will discuss the constitution of India. हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सारे एस्पेक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड किए गए और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसके एस्पेक्ट के बारे में देखेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी मीनिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन. ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द रूल्स अकॉर्डिंग टू द विच गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री फंक्शंस. किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो फंडामेंटल इसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे मूव करती है और सारे लॉज भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसकी थीम के आधार पर ही बनाए जाते हैं. दीज रूल्स और लॉज आर कॉल्ड बेसिक लॉज, और इनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं ये बेसिक लॉज की तरह से होते हैं. दैट इज़ द लॉ रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट एज सोर्स अकॉर्डिंग टू विच रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ गवर्निंग कंट्री आर फ्रेम्ड. और ये अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है कि कोई भी लॉ जो कंट्री के लिए बनाया जाएगा वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होगा, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन करके नहीं बनाया जा सकता. एवरी लॉ इनेक्टेड बाई द गवर्नमेंट हैज़ टू बी इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, हियर कॉन्स्टेंटली हियर वी सी दैट इट इवॉल्व्स अराउंड द नीड्स, रिक्वायरमेंट एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल एंड फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशंस. जो भी यहाँ पे कंट्री के सिटीजन हैं, जो भी यहाँ की जैसे रिलीजन है, सारे एस्पेक्ट को इस इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व किया जाता है. नाउ हियर यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ दिस आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टार्टेड टू बी फ्रेमिंग. कैसे ही हमारे कंट्री का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनना स्टार्ट हुआ, तो इसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको एक ब्रीफ डिटेल बता देता हूँ कि यू नो दैट इंडिया वाज ए कॉलोनियल अंडर द ब्रिटिश, एंड दैट्स व्हाई दे व्हेन दे रियलाइज दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स इज नॉट पॉसिबल हियर, सो दे गिवन एन ऑप्शन टू इंडियन पार्लियामेंट टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर सिटीजन. सो दे एडवाइज देम इन 1946 टू कॉन्स्टिट्यूट ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उन्होंने बताया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप अपने कंट्री के लिए बनाइए, एंड देन जो भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन लोगों ने मिल करके यहाँ पर अराउंड 350 पीपल थे, उनसे मिल करके इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया. इसमें अलग अलग कमेटीज़ भी थी और उन्होंने इसको सबसे पहले जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो था 11 दिसंबर 1946. यू कैन सी हियर इट वाज द फर्स्ट डे व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड वर्किंग. तो ये 1946 में इसने वर्क करना स्टार्ट किया. एंड यू आल्सो नो दैट इट हैज़ टेकन 2 years 11 months 18 days टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसमें लगे पूरा इसको कंप्लीट होने में. नाउ द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्री के जो एडमिनिस्ट्रेशन में है क्या रोल होता है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी नीड्स सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग. फॉर एग्जाम्पल वी प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा, बट वी नीड रूल्स देयर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग.
यू नो स्टूडेंट्स, आप इसको समझ ही रहे हो कि किसी भी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो, अगर उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होनी है तो उसके लिए कोई ना कोई एक रेगुलेशन लॉज होना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल रूल, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, ईच गेम हैज़ सम रूल्स अकॉर्डिंग टू विच इट प्लेज. हर एक गेम में एक रूल्स होते हैं और दीज रूल्स हेल्प टू डिफाइन द गेम, और इसी के बेस पे हम इसको डिफाइन करते हैं. लाइक दीज गेम्स, ए सोसाइटी और कंट्री ऑल्सो नीड सम फंडामेंटल रूल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सेम इसी तरह से जैसे उस गेम के लिए रूल्स चाहिए, वैसे ही एक कंट्री बहुत बड़ी होती है और इस कंट्री में किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए फंडामेंटल रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है. दीज रूल्स मेक इट इज एंड डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज. और एक हर कंट्री का अपना अलग अलग करेक्टरिस्टिक होता है और उसी के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बनाए जाते हैं. दैट इज़ वाई मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर सिग्निफिकेंट. मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव देयर कॉन्स्टिट्यूशन. एक डेमोक्रेटिक कंट्री का एक ये इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि वहाँ के सिटीजन के द्वारा पूरी तरह से उसमें कंसेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस. किन किन रीजंस से हमें है, तो उनके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस को हम लोग देखते हैं यहाँ पे. इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो वहाँ की जनता होती है, नागरिक होते हैं, वो उसी सारी फंक्शनिंग में गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके, एंड इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच गवर्नमेंट्स पावर एंड सिटीजंस राइट आर क्लियरली डिफाइंड. इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम मिस यूजिंग राइट्स एंड दस सेफ गार्ड द राइट ऑफ द सिटीजन. और इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पूरी तरह से सिटीजन ओरिएंटेड होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम उनके सिटीजन के राइट को भी प्रिवेंट करते हैं और गवर्नमेंट की कितनी पावर है उसको भी हम लिमिटेशंस के अंदर प्रोवाइड करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इट वाज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ इट्स चैप्टर एंड फर्दर डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो वॉच इट केयरफुली एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस वीडियोज़. थैंक यू.